नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास वीवो का T1 5G वाला फ़ोन, जो दोस्तों समथिंग एक साल पहले लॉन्च हुआ था। तो आज मैं आपके साथ सामने दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और आगे आपको बताऊंगा कि ये मैंने 10,000 रुपये का कैसे दिया है। तो दोस्तों देखिए, ओपन बॉक्स से मैंने ओपन कर लिया था। इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा, तो चलिए मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फ़ोन। तो देखिए, सबसे पहले मिलता है दोस्तों ये डिब्बा, जिसके अंदर कुछ पेपर वगैरह होते हैं जो मैंने हटा दिए हैं। और इसका ये साथ जो कवर भी आता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट, तो कवर में भी आपको अलग से दिखाऊंगा। तो जो डिवाइस है दोस्तों, इसको मैं रखता हूँ नीचे। तो देखिए दीजिए दोस्तों, ये डाटा केबल जिसके अंदर आपको सी टाइप और ए टाइप पोर्ट मिलता है। और ये दोस्तों इसका चार्जर जो कि 18 वाट का है। तो दोस्तों 18 वाट का चार्जर है, बट फ़ोन काफ़ी अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है। और इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। और इसके नीचे है दोस्तों जो कुछ पेपर वर्क जो इस रैपर के अंदर आए थे, मैंने यहाँ रख दिए। तो चलिए इन सबको साइड में करते हैं, क्योंकि मैं कोई टाइम ख़राब नहीं करना चाहता ज़्यादा आपका। तो देखिए ये डिवाइस। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमें मिलता है ये 3D वाला इफेक्ट, जिसमें ये कलर चेंज होते रहते हैं धूप की वजह से। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको इस स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 5G फ़ोन है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके कैमरे की, क्योंकि वीवो के फ़ोन होते हैं जो दोस्तों कैमरे के लिए ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है बैक में 3 कैमरे का सेटअप, एक गेरा। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, बाकी दोस्तों जो दो कैमरे हैं वो सिर्फ 2-2 मेगापिक्सल के। और फ्रंट कैमरा दोस्तों जो यहाँ पर है, ये है दोस्तों इसका 16 मेगापिक्सल का। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 6.5 इंच की, यहाँ से यहाँ तक एक फुल HD डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक LCD पैनल के साथ आती है। बैटरी की बात करूँ तो इसमें मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो दोस्तों 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसके रैम और रोम की। तो जी है मेरे पास दोस्तों 4 और 128 GB वाला वेरियंट, इसमें दोस्तों आपको 6 GB वाला ही मिलता है। तो जी मेरे पास सिर्फ 4 GB वाला, जिसको आप बढ़ा भी सकते हो वर्चुअल रैम के थ्रू। दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस में हमें मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे 10,000 रुपये में कैसे पड़ा, क्योंकि फ़ोन एकदम नया है। तो ये मुझे इतना सस्ता कैसे पड़ गया, क्योंकि इसकी जो प्राइस दोस्तों 4G वाले की वो है समथिंग 15,000 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने OLX पे से ख़रीदा है, अभी सिर्फ 1 महीने पुराना, जिसका जो बिल डेट है वो है दोस्तों 23 फरवरी का। तो अभी मार्च चल रहा है, अभी मार्च ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये 1 महीने पुराना फ़ोन है सिर्फ। इसको मैं ऑन करता हूँ और इसको दोस्तों मैंने टेम्पर ग्लास भी लगवा दिया है, देखिए। तो ये मुझे सिर्फ 10,000 रुपये का मैंने ख़रीदा है ये। और रही इस कवर की बात, तो जो जिस बंदे ने दोस्तों ये पहले नया ख़रीदा था, उसने इसके कवर को वहीं खो दिया, इसलिए मेरे पास कवर नहीं है। बट मैं आपको एक नया कवर दिखाता हूँ अलग से, ये देखिए जिसका कवर है, जो कि मैंने काफ़ी सस्ते दामों में ख़रीदा है। अगर आप इसे ऑनलाइन वगैरह ख़रीदते हो तो जो आपको 200 या 150, 200 या 250 रुपये का समथिंग मिलेगा। बट मैंने इसको अभी अपनी मार्केट से ही सिर्फ 70 रुपये का ख़रीदा है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिला है। 70 रुपये में दोस्तों आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। तो फिर भी दोस्तों अगर आपको ये कवर चाहिए तो इसका खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो मेरा भाई भाई से कनेक्ट है ये देखिए। आपको एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ इसका मैं, इससे ये देखिए। ये दोस्तों इसकी कैमरा क्वालिटी है, ये देखिए, ये देखो कैमरा क्वालिटी दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आपको ये फ़ोन अभी भी ख़रीदना है तो दोस्तों जी आपको मिलेगा 15,000 रुपये के आसपास, जिसका ख़रीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस पर कवर लगा कर भी दिखाता हूँ कि कवर लगाने के बाद इसकी क्वालिटी कैसी होती है, ये देखिए। कवर लगाने दोस्तों ये फ़ोन हमें काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे से भी देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। इसे कटआउट दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। और इसका दोस्तों ये फिंगरप्रिंट है वो हमें मिलता है साइड में यहाँ पे, क्योंकि ये LCD पैनल है, तो इसमें आपको
डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलेगा, साइड में मिलता है। इसमें सी पोर्ट है। और दोस्तों इसकी हम स्पीयर की बात करें तो हमें एक स्पीयर मिलता है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें आपको 3.5 mm जैक भी मिलता है, सिंगल स्पीकर है। प्लस दोस्तों इसमें LCD पैनल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों वो डिस्प्ले के अंदर नहीं आएगा, साइड में मिलेगा। और फेस अनलॉक भी दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी क्विक वीडियो थी दोस्तों, काफ़ी जल्दी मैंने इसमें कोई फालतू बात नहीं की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।